देखिए, ये एक मठ के योगी भी हैं और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए ये मुख्यमंत्री भी हैं। इनकी बोली भाषा ऐसी होनी चाहिए, जब इनकी बोली भाषा ये हो, ये डायलॉगबाजी करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आखिर ये हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में किसको बांट करके किसको काट करके राज करना चाहते हैं। जिस हिंदुस्तान में हम लोग बहन बेटियों की पूजा करते हो, जिनकी कन्याएं पूजी जाती हों, वहाँ पर बेटियों के प्रति इनकी ऐसी मानसिकता है, ऐसी सोच है इनकी। देखिए, समाजवादी उन्हें सदैव महिलाओं का, कन्याओं का सदैव सम्मान किया है और आगे भी करेगी। इनके कहने से या इनके नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों के दिल में सदैव माँ बेटियों के लिए सम्मान है। देखिए, इन्होंने जो है ये विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, लेकिन आज भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, 9 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बाय इलेक्शन में उतारे हैं, जिसमें से 9 में आधी आबादी को हमने 5 टिकट देने का काम किया। तो हम जितना सम्मान करते हैं महिलाओं का, बहनों का, अपने बेटियों का, उतने ही क्या सम्मान कर पाएंगे। इनके पास सिर्फ डायलॉगबाजी, इस तरीके की नकल बयानबाजी करके ये राज करना चाहते हैं, चूंकि काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। आज 8 साल की सरकार इनको होने का आ रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से भाजपाइयों को भी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनके दिल में चोर है, इसीलिए इनके जुबा पे ऐसी बातें हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।